आप लोग जो बैठे हैं मेरे को देखते रहे, मनुष्य को मन के अनुसार बात हो जाए तो वो खुशी है, और मन के प्रतिकूल हो तो दुख है, और क्या दुख का दुख कोई धन नहीं। और आप तो ईश्वर अंश है, तो ये बात मैं हमेशा बताता रहा हूँ। अभी नई संगत कितनी कर रहा हाथ करना ऊपर जो पहली बार आई, आज जो मेरे पहली बार सुन रहे, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये पुरानी संगत है, सब ये जानते हैं। नई संगत के लिए मैं जो नई बात बोलूँगा तो ये पुरानी संगत बोलेगी यही बात रोज बोलता है, यही बात रोज बोलता है, आप समझे कि नहीं। तो मेरे से कहा क्यों जाए कि कुछ नया आदमी आए तो उनको पता लग जाए, तो नहीं होते तो मेरे मुझसे सहज निकल जाती है कुछ बात, वही जो कल बोला था वो आज फिर बोल दूंगा। कारण क्या है कि मुख्य चीज जो है बेस बन करती है, बेस बनती है किसी की, तो जिसकी बेस ही मकान की ठीक नहीं है तो फिर मंदिर कहाँ बढ़ेंगे। तो आज ये बेस ही ठीक नहीं है भाई जो जिंदगी की, तो फिर वो आगे क्या बढ़ेगा। तो बेस है खुशी, उमंग, उत्साह, संपन्नता जब है तो फिर वो आगे बात चलता है, फिर आगे अध्यात्म की बात समझा गया। अध्यात्म समझे नहीं, अध्यात्म तो वो कड़ी है कि उसमें उसके बाद कोई तकलीफ होगी नहीं। अध्यात्मिक आप बन गए तो फिर आपको कोई दुख सुख की बात ही नहीं, आप तो आनंद देते रहोगे। अगर कोई मजदूरी मजदूरी का संस्कार है तो वो कर, कोई बातें करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा धन की जरूरत नहीं है, खुशी बात तो खुशी ही नहीं है। और अति अति कर लेते हैं वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग वेंट। अब जैसे सदन में कुछ पैसे इकट्ठे कर दिए अचानक, तो वो सर पता नहीं थे सरकार का, पकड़ो जी देखो जी देखो जी, वो हैरानगी हो रही है उनको कि पैसे कहाँ से ले, और वो छुपाते फिर जान बता रहे कि पता नहीं क्या क्या हो, पता नहीं क्या हो, बुखार आ जाती है रात में, सब समझे ही नहीं। तो इतना होना चाहिए जिससे हमें खुशी रहे, धन इसलिए कर खुशी के लिए करते हैं, ये तो नहीं आज चिंता फिक्र और बीपी हो रही है लोगों को, परेशानी हो रही है आपके सामने आ रही है बात, तो रोज सुनते हो तो उसके अंदर कोई चीज़ वो नहीं है, खुशी आपके अंदर है। तो अब मैं सत्संग वाली बात आपको शुरू कर देता हूँ। सत्संगति मति मंगल मूला, सोई प्रसिद्धि सब साधन फूला, सबे सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत साधन सुमन कलेसा। सत्संग मुख्य चीज जड़ है, पेड़ है, और बाकी जितने भी हैं पानी चलाना, भगवान को कथा सुनना, भागवत सुनना, रामायण सुनना, गीता सुनना, ये फल फूल है, फूल है, फल है। मुख्य चीज क्या चीज है, पेड़ हो सत्संग है। बिन सत्संग विवेक न हो ही, राम कृपा बिन सुन बिन सोई। रामायण की चौपाई बता रहा हूँ आप, तो हिंदू तो है सभी को संस्कार रामायण की, वो स्वामी तो सिखा रहे बगैर सत्संग के विवेक नहीं होगा कि सही क्या गलत क्या, ज्ञान क्या अज्ञान क्या, क्या सही है क्या गलत पता नहीं आदमी। बिन सत्संग विवेक न हो ही, फिर आगे कहते राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसे आज सत्संग है तो किसी को सुनना था, सिखा नहीं संस्कार को काम हो जाएगा, जरूरी काम हो जाएगा, भाग जाएगा, कोई तकलीफ हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगा, ये नजदीक आएगा नहीं सत्संग, दूरी निकल जाएगी। बगैर बिन राम कृपा नहीं का मतलब है कि बिना शुभ कर्म के सुन नहीं सकता, क्यों सत्संग सुनने के बाद तो सब संख्या तकलीफ दूर होती है। ये तो सत्संग का भाव ये है कि आप बिल्कुल ऐसी अवस्था में पूजे, आप ईश्वरंश हैं, तो आपको तो जान करके अपने आपको कभी कभी उधर शेयर करें और उधर चले जाएँ वहाँ पर, और जब शरीर छोड़े तो उसी में चले जाएँ कहाँ से आए, या दुख सुख का मामला ही नहीं, या तो कोई सुखी तो है नहीं, चाहे कितना बड़ा हो और कितना छोटा हो। जिसको एक जगह शब्द में कहा है कि सुतन धरु सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कह तू सबका किया विवेका हो, घाटे बाधे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही वैरागी हो। ऐसे लंबा थोड़ा शब्द कह करके अंत में कहते हैं कहीं कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीता हो। तो संत कौन हो सकता है, आप मनुष्य संत बन सकता है। संत कोई सिंपूस नहीं रखते, कोई आश्रम बहुत बड़ा नहीं बनाते, कोई बहुत बड़े धन नहीं होते, कोई टोपा लगा के अलग ड्रामा नहीं करते। संत आप सब संत के काबिल हैं, ईश्वर अंश हैं, संत गति को प्राप्त कर सकते हैं, और इस संत गति को प्राप्त करने के लिए सत्संग है। आप मेरी बात से कि अगर आप हमेशा खुश हैं तो सब लोग ठीक है, तो वो ज्ञान से होंगे, सत्संग से होंगे, और मिलेगा बड़े भागों में तो मिलेगा। और मैं अभी जो काम करा रहा हूँ, मेरे को इस काम की कोई बात नहीं थी, 93 साल का हो गया हूँ मैं, और जितने स्वाद थे जिंदगी के वो सब लिए, खाने के पीने के, खाना शुरू से ही गाँव का आदमी था, जल्दी से कमीशन मिल गया, वाइसरा कमीशन बीसी कहते थे, बोले
वायसराय का मैंने सूबेदार जमींदार की रह रहती थी और वो मिल गई। गांव का आदमी था, टेढ़े प्यादे से फर्जी बड़ा टेढ़ा टेढ़ा था, तो प्यादे से फर्जी क्या बड़ा, गांव का ऑर्डरी आदमी था और बहुत जल्दी कमीशन मिल गया। और पहले युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर चला गया, युद्ध में चला गया, पाँच साल वहाँ पर रहा, क्या कहते तैयारीस बयालीस तैयारीस चौवालीस पैंतालीस पैंतालीस तक बर्मा में रहा युद्ध में। और फिर वापस आया तो वो कमीशन मिल गया, बड़ा अवसर मिल गया। फिर बाद में सब नए पास होता है, आखिरी रैंक, अच्छा खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने। कहने का भाव ये है कि संसार की बातों से कोई दिक्कत नहीं हुई, और जब से गुरु जी के पास में गया उसके बाद वारे नहीं रहे, उसे वो ज्ञान मिल गया सत्संग वाला। और वो जो ज्ञान मिला, फिर कभी कई दफे वो कहते थे कि ये बात तो मेरे बेटे बेटियाँ ज्ञान में उनको बता देना, उस वक्त मैं सब जा रही कि क्या बताना। फिर 1962 में एक और स्थिति आगे लिफ्ट होगी, तो उसके बाद मैंने कहा अब तेरे कुछ नहीं करना, मुक्त दोस्ता है, नौकरी करना छोड़ के भाग जा, तकलीफ आएगा, ये तनख्वाह तेरी थोड़ी है, कुछ नहीं होगा, मांग बहुत बड़े पैसे की बड़ी जरूरत पड़ेगी, नौकरी करना और किसी ऐसे निकल हाथ ऐसे रखना, ऐसे हाथ मत करना। और बैराग बैराग हो जाए, बोले वो जमाना चला गया बैराग वाला, फिर छोड़ते थे वो, होते थे अभी कलयुग है और कलयुग के अंदर बहुत बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, पर तो मांगते खाते राजा भिखारी बने थे, भगवान कपड़े पहन लेते थे, बोले ये जमाना बदल गया है और लोग उसी जमाने को पीटते अभी भी, भगवान कपड़े पहनते, ये जमाना ही खत्म हो गया। वो समय और था, जब देखता था राजा भी भगवान कपड़े पहने तो दूर से दंडवत करता था, वो अधिक हथी को उदय सूत्र के नीचे दंडवत करता था भगवान कपड़े वाला को देखना, क्यों ये समझे कि तो सत्ता ही है, वो भगवान कपड़ा का सत्ता है, ये सत्ता आदमी है। यार अभी ये बता दिया चला है कि जितनी झूठ भगवान कपड़े वाले बोलते हैं इतना शांत गृहस्थी नहीं बोलते, बाकी समझिए ना, समय के साथ सब बदलता है। तो अब ये कलयुग है और कलयुग के मुताबिक क्या चीज़ आज का क्या धर्म है वो बताऊँगा, पीछे की बात नहीं कथा नहीं पूंगा, रामायण में ये लिखा आप देखते हैं खुश होते हैं, तो खेल है दादी वाली कहानी है, समझेंगे नहीं, ये कथाएँ आपकी सुंदर है और हमारे बुजुर्गों की बात है कि देखो कैसी कैसी उन्होंने कथा लिखी, हमारे पास एक खजाना है, गलत नहीं है वो, पर वो तो शुरू से कैदी है, पहली क्लास बच्चा पढ़ता कह बने कबूतर कह बने खरगोश, इसने अभी क्या चीज़ है आज का जो बुद्धिमान है वो पहली वाली बात नहीं, कह दिया वैसे कह दिया, पुराना कह दिया हनुमान चालीसा लिख दिया, हनुमान जी पहाड़ उठा लिया, ये उठा लिया, वो उठा लिया। अब वैज्ञानिक उनके मेरे से प्रश्न कराया कि एक दो साल में करें विज्ञानिक, कह लगे जी आपके धर्म का पौड़ा हंसता है, यानी का था वो रोहत का, वो क्या चीज़ बोलने उन्होंने क्या था, हनुमान जी गया जाकर के उन्हें छोड़ के पहाड़ लग गया था, तो जाके को जड़ी बूटी भाई भूल गया तो पूरा पहाड़ी उठा के लिया जी, वो खा जी ऐसे लिखा हुआ। तो बोले फिर आज का बंदर एक डांड तो खा लिया हुआ कोई, तो कह रहा वो आपका कह रहा था ना वकील कि प्रूफ करो, पड़ा तो कहा प्रूफ करो, उसने सत्य ही नहीं सुना बेचारे, अरे से आगे मुँह खोल दिया बकड़ी आदत था दाँत में पकड़ लग गया, तो उसका कोई दोस्त नहीं। फिर वो आखिर बोला भाई तो आस्था का मार्ग है, तो विश्वास का मार्ग श्रद्धा का काम है, यहाँ बहुत सारी बात नहीं है, इसमें कोई बात सुन ली कुछ अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो चले गए। फिर धर्म आस्था का मार्ग है, विश्वास का मार्ग है, समझेगी ना आपको शासन, और इसमें कोई जोरदार कोई दलील देने की बात नहीं है, दे दिया तो प्रूफ बता दो कि मेरे साथी भी थी। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि अभी इस कलयुग का धर्म क्या है, इस समय से प्राचीन समय से ऋषि मुनि जितने ब्राह्मण नाथ पंडित पुरोहित जो है वो सब ठीक था, हम उनको नहीं कर सकते करना, वो हमारी धरोहर है, जो उस समय में था वो ठीक, आज के लिए क्या हो रहा थी वो अलग बात, साधन भी उस समय का कुछ क्या था और अब का साधन कुछ और है, तो उस वक्त ज़्यादा साधन कुल करते हमारे ब्राह्मण करते थे, तो उनकी सीधा मार्ग था, उनको कुछ निचली बात कहकर की नहीं थी, डायरेक्ट सीधा था क्या कि ध्यान करो, ध्यान के दृष्टि कराते थे, माथे के पीछे थोड़ा ऊपर से कराते थे, और यहाँ से उसका जी अभी मंत्र भी तक लेते हैं, अभी ब्राह्मण उसकी लकीर फिरते हैं, ओम भूर भय स्व तत्सवित्र ब्रह्म भृगो देव से धीमयी धियो यो न प्रचोदया, ये ब्राह्मण का मंत्र है, क्या है मनुष्य तू जागते स्वप्न और सुस्मृति से घर ही से आगे सूर्य है तुम्हारे, तो उसका दर्शन करो तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ है, ये उस वक्त का साधन था ब्राह्मणों के लिए, डायरेक्ट किसी मूर्ति का किसी चीज़ का ध्यान नहीं था, डायरेक्ट ये था क्योंकि उनके ब्रह्मचारी ठीक होता था, अभी कलयुग का समय है, हमारा ब्रह्मचारी गिरा हुआ है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनकी शक्ति खो गई, मेच्योरिटी बढ़ी नहीं, चार आश्रम थे ब्रह्मचारी, उसमें कोई भी अब कामता की बात ही नहीं आती थी, जानते ही नहीं थे कोई चीज़,
अब तो छोटा बड़ा बच्चा नाच गाना सारा देखता सीखता बातें वो करते सुनते पुराण पूरा बैठ जाता है टेरी बिठा जाता है और दुनिया को बड़ी बातें वो सामने दिखाते हैं पुराण बेटी भी देखती है बहू भी देखती है सास भी देखती है। अब जमाने की आवाज़ बदल गई पहली बात ही नहीं करती थी सही बात किसी को पता नहीं था और अभी जो जमाना दूसरा बदल गया। तो इस जमाने में क्या था उस वक्त ब्राह्मणों का क्या था कि साधन था केवल साधन था सीधा डायरेक्ट प्रकाश का कोई बीच में एक एकाकी किरी जो भी बताते हैं वो उस समय का साधन था और आज भी वो चलता ये सनातन है ये सनातन है इसमें सिद्धियाँ अरिद्या मिलकर फिर आकर के जोत में जोत समा गई ये तो सनातन धर्म की बात है। संतों का कलयुग के संतों ने से आगे खोज करिए जो पहली जो उन्होंने करी थी हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मणों ने ऋषि मुनि ने वो जो खोज करके रामायण गीता लिखी वहाँ तक तो सिर्फ तीन चीज आत्म शरीर मन और आत्मा बस आत्मा सब कुछ है ये गलती नहीं सत्य नहीं ये नहीं वो नहीं ये नहीं कभी नाश नहीं होता ऐसा आत्मा सब कुछ मान दिया। आप कलयुग के संतों कह रहे भाई आत्मा तो जीते रहिए तो आनंद का अवस्था है ये तो एक आनंद की अवस्था है प्रकाश है जबरदस्त जो बाहर का भी प्रकाश है सब क्रिएट होता है आप और वो प्रकाश आदमी के आज के कलयुग के संतों कह फिर सोचा आज का आदमी तो इतना काम ही हो गया कि सुनता रहती है ब्याह शादी करते हैं तो संतानोत्पत्ति के लिए पूरी उम्र ही काम है दिन भर काम करे चाहे 60 साल का हो गया चाहे 50 साल का हो गया पत्नी पति जो है वो कोई काम उसका भोगते हैं जबकि ये तो बहुत गिरे जानवर से भी गिरे हुए जानवर भी नहीं करते पेट में बच्चा होता है तो जानवर कभी जानवर को चुंगी चला जाता है गाय भैंस बकरी और आदमी का बच्चा जो है बच्चा है छठा बना है पाँचवा बना सातवा बना आठवा बना और काम उसका भोगते हैं इतना गिर गया है तो उसकी शक्ति खत्म हो गई असली शक्ति आप ब्रह्मचर्य की है ब्रह्मचर्य लाइफ सेक्युलिटी इज डेथ ब्रह्मचारी है जीवन है वीरना से मरते तो वो तो बिना बच्चे पैदा करने के जो सेक्स को एंजॉय करते हैं कामुकता को वो बिल्कुल गिरावट अज्ञानता है चाहे वो कितने बड़ा हो राष्ट्रपति राजा हो बादशाह हो और चाहे वो चपरासी हो चाहे वो करोड़पति सेठ हो और चाहे वो मजदूर हो चाहे वो खुद PhD लगा रखी दो चार बिल्कुल इसमें डॉक्टरेट इसमें डॉक्टरेट और वो हो चाहे अनपढ़ सबको ज्ञान का दुख है। आप समझे मेरी बात कोरे इस बात ये तो मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी एक बीमारी और इसका क्या है कि ये सोचता क्या है जैसे पहले दस साल से बोला है वो सोच रहे इसका सोच में शक्ति है जब ये खुद सोचता अच्छा सोचता है तो उस सोच के लिए अच्छा कर्म बन जाता है घटिया सोचता है कर्म कैसे बनता है। अब घर में आप पति पत्नी हैं बैठे बातें कर रहे हैं खुद से कोई बात आ गई तो कुछ पति ने कह दिया या पत्नी ने कह दिया या पत्नी कह दिया कोई चीज तो आपकी माँ से करती थी या आपकी माँ से थी ये आपका बाप का तो माँ बाप का नाम ले दिया पति को ले दिया गुस्सा आ गया अब जाए तो कहाँ सुख नाराजी आ गई और बैठे आपको नींद खा रही छोटा इसने मुझे ये कहा मेरी माँ का ये लिया इसने मेरी माँ का ये खराब मेरी माँ का ये लिया ये ईर्षा द्वेष से तो गुस्से से चार कर रहा है वो रेडिएट होके रेडियो वेव की तरह से ऊपर चले जाते ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड में जाके किसी खास लाइन से टकरा करके ड्यू कोर्स होता है उचित जब समय होता है तब वो विचारित रहता है जहाँ से गया उसी जगह आएगा वापस AC करंट चलता नहीं जहाँ से वहीं वापस ले जाता है AC करंट की तरह वापस आता है और उस घर के अंदर जो पति पत्नी नाराजी से सोचा था पति ने को ऐसे इसने ऐसे क्या किया वो कर्म के आता है और वो ऐसे आता है उनको दुख होता है मन के प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल क्या होता है आज कार जाए टूट गई एक्सीडेंट से दुखी हो गया 10 लाख की कार रहे थे नहीं टूट गई या किसी का हाथ टूट गया दुखी हो गई कोई आदमी मर गया दुखी हो गई मतलब इस तरह की घटना हो जाती है जिससे एक मन के विपरीत तो दुखी होता है और घटिया विचारों का फर्क विपरीत है चाहे पत्नी पत्नी नाराज हो चाहे बाप बेटा नाराज हो चाहे भाई भाई नाराज हो और दादा जी देख लो कि आप एक ही लड़ने के आदमी हाथ आपको कोई ब्रह्मचारी क्या ज्ञान देगा वो तो इसे आनंद दे रहा प्रकाश का मस्त है उसको क्या पता जिसके पैर ने फटी बिवाई वो क्या दाने पीढ़ी पर आई तो गृहस्थी का गुरु गृहस्थी हो सकता है मेरे पता है मैं गृहस्थी हूँ आप मेरे बहन बेटियाँ भाई हो सब जानते हो घरों में विचार कहते एक बहुत है ऊंचा चरित्र देखो घर घर एक ही लेखा क्या पंडित क्या काजी से तो सब की हालत है गिरती हूँ चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे वो सप्तासी हो सबके सब इस बात से गुस्से से बिल्कुल से सबको गुस्सा था और गुस्से जो सोचते हैं वो बुरा सोचते हैं उनको मालूम नहीं कि क्या सोचते हो जो सोचते हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव जो सोचोगे द्वेष नफरत का विचार होगा वो जब घर में आएगा तो आफत रहेगा मन के प्रतिकूल कोई चोरी हो जाएगी कोई बीमारी हो जाएगी कुछ कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिसकी वजह से आप दुखी हो जाओगे और तो अच्छा सोचोगे प्रेम खुशी से उमंग से
और आपको दया होगी, आप क्षमा कर सकते हो, ऐसे सुंदर विचार अच्छे विचार सोचोगे तो उसका फल आपके मन के अनुकूल होगा। जो आप सोचोगे वही देगा, आप खुश होगे, सोचोगे खुश हो जाओगे। समझिए सुख दुख क्या है, जो अच्छे सोचते हैं उसका फल तो आते आपको आता है सुख खुशी उमंग सफलता, और जो घटिया सोचते हैं नाराजगी वो देख लो भी आप कितना सोचते हो, भाई भाई से नाराज, बाप बेटे से नाराज, सास बहू से नाराज, लड़ाई रिश्तेदारों की रिश्तेदारों की लड़ाई, पड़ोसी से पड़ोसी की लड़ाई, राजनीतिक पार्टियां देखो, कांग्रेस खराब, कांग्रेस वो उस पर कीचड़, वो उस पर कीचड़, ये विचार ब्रह्मांड में जाते हैं। और आप वापस आकर जो बड़ी पार्टियां सोचती हैं ना, बड़ी आफत लेके आते हैं। जो घर के अंदर कलह है उसका सुख दुख तो आपके घर में होगा, आपकी उसी आय बनता है, ऐसी कंट की तरफ वहीं जाता है राजनीति रहा है। अब जो राजनेता सोचेंगे वो राजनीति पर आएगा, वो हल नहीं कर सकेंगे, समझेंगे बात, उनको पता नहीं। अगर सारे राजनेता मेरी बात सुन ली तो देश में स्वरूप बना दिए, क्यों नहीं यथा राजा तथा फिरगा, हम तो उन्हीं की नकल करते हैं, वो चपला चलाते हैं, अफसर बोलते हैं, वो रोज की नहीं करते हैं, रोज आप देखते हैं, तो उनको ज्ञान नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ये ज्ञान मनुष्य को है, वरना ईश्वर से हैं आप ईश्वर का तो अंश कर, ईश्वर कहीं है तो आप मनुष्य में, और आपके विचार में जबरदस्त शक्ति है, इतनी शक्ति है कि जो सोचो वो ही जाएगा। क्या कि पूरा जब जो है मनुष्य सोच से बढ़ाया, परमात्मा देखा गया आप किसी ने काम करते नहीं देखे ना, मनुष्य कर रहे सब काम, तो ये जब पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी सब मनुष्य ने की है, ये डॉक्टर ने तार की फाड़ करके गुर्दा लगा दिया, ये लगा दिया, ये मनुष्य तरक्की करी है। तो आप इस स्वरण से जिस फील्ड में काम करते हैं कमाल करेंगे आप, अगर आपके ये ब्रह्मचारी ठीक है और विचार ठीक हैं तो जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो कमाल करोगे, नई नई सोच सुधरेगी आप और उसके मुताबिक काम हो जाएगा। तो आप इस स्वरण से अज्ञान का दुख है, समझे ना बात, जो मैं समझाऊ भाई बोलूँ बात तो बताई तो मैं समझिया, मेरी समझी होगी, कोई पहले भी बता रखिए, हाँ रावण चौपाई है और बता रखा रावण चौपाई है, ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन विमल सह सुखराशी सो माया बस बंदे गुस्साई, आप ही बंदो प्रकट की नहीं, वो कहते ईश्वर से चेतन है विमल है सहज है सुखराशी, कोई दुख नाम की चीज नहीं है। तो फिर कहते सो माया बस बंदे गुस्साई, माया क्या है, जो तो सत्य नहीं है उसको सत्य माने बैठे, जो चीज सत्य नहीं है वो और सत्य माने बैठे, ये है हमेशा, जैसे भी आँख खोल की देखते हो माया है, आँख खोल की जिद देखोगे जो चीज देखोगे सब नाशमान है, ये आपका मनुष्य का शरीर देखते हो ये भी नाशमान है, इसमें जो नाशमान नहीं है वो चीज़ वो भी है तत्व ईश्वर वो है, और वो यहाँ खेल के अंदर आया हुआ परमात्मा खेल है, उसमें दुख है सुख है खुशी सोचता रहता है, वो इसका फर्क मिलता रहता देखते थे। तो इसके कई सत्संग हैं, वो सत्संग बिन सत्संग विवेक न हो ज्ञान नहीं होगा, और राम कृपा बिन सुन बिन सोई, बिना कृपा के सुन नहीं सकते आप सत्संग, कोई सोचने लग जाओ तो मैं बैठे कुछ और सोचोगे और फिर बोलो ये पूछेंगे गुरु जी ये पूछेंगे, मेरी बात तो सुनोगे नहीं और फिर वही बात मेरे को पूछोगे, कल एक वकील को सुना ही नहीं था, इस तरह के रोज का जमीन होता है मेरे साथ, और आगे बात करते 1200 से सत्य देता हूँ बता देता हूँ, देखो भाई मैं बोलूँगा अगर मेरी बात को दोबारा पूछोगे बताए नहीं करो तो बुद्ध सुने आप और दूसरा बता देना भाई उसको कड़ा वकील साहब बुद्ध जब मेरी बात पूछ चली को फिर पूछे तो समझा इसमें सुना नहीं है, ये पहले बताता हूँ और फिर सत्य देता हूँ, चुप रहते कोई बोलता है तो दूसरा जवाब देता है, यार बताया था दो मिनट पहले दो बताने बैठ जाता है, समझेगी बात, तो जो मैं बात बताता हूँ वो कोई बात नहीं कि एक आदमी को 1200 क्षेत्र हाई कोर्ट में दिया है, क्षेत्र कोर्ट में मैंने कलेक्टर कोर्ट में यहाँ दिया और वहाँ जाता हूँ तो इंसान देता हूँ बिहारी में जहाँ कोर्ट होती है सत्संग देता हूँ, और जहाँ यूनिवर्सिटी जितनी भी जयपुर की यूनिवर्सिटी जो है अनुपुर कॉलेज है उन सब ने मैं सत्संग दिया और सब लड़कों को सबको देखे हूँ और सबको पास है, मेरे को पता है कि सबको एक ही दुख है अज्ञान का, चाहे वो कितना बड़ा हो कितना विद्वान हो कितना धनवान हो अज्ञान का दुख सब हर इसे परेशानी मिलती है, क्या सोचता है इसका रिजल्ट क्या उसको पता नहीं है, आइए समझ बात। तो इसके लिए अब पहली तो ये बात बताई दी जाती थी धर्म की बात थी, बोले आगे बताने की बात नहीं है, बस बस बताने की बात नहीं है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है ये सही से साबित कर दिया कि भाई हर एक आदमी की बहुत जाते जैसे मैं बोल रहा हूँ सामने फोटो आ जाती है, इंग्लैंड में बैठे एक आदमी और वहाँ की फोटो आ जाती है बात कर लो, तो उसने पहले सोचा भाई बात तो कर ले तेरी फोटो कैसे आई, इसके लिए बैठ के वैज्ञानिक बहुत और वो देख तेरे ध्यान करते रहे उनको पुत्री का मतलब एकाग्रता करते ध्यान करते 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 भर गए बहुत काफ़ी समय गुजरा, किसी किसी का ब्रह्मचर्य ठीक था चरित्र था लगन थी उसको यहाँ पर एकाग्रता होगी बात है बीच में,
आई क्या करता उसको पता बढ़िया से कर लो आगे से आवाज आ गई और फौरन को पैसे खिला और देखा ठीक हो गया। तो ये मनुष्य में शक्ति है, विज्ञान देता मनुष्य के मध्य तक है, ओम के स्थान तक है और वो ये विज्ञान तो यहाँ तक का है कि जो कुछ विचार करता है वो आदमी पता लगता है। तो इसी रिसर्च तो ये सब मनुष्य ने करिए, इस स्वरण से ये है। अभी भी है तो साधक साधना करते हैं और साधना करते करते माथक बीच में आ जाते हैं और जो कुछ जानना चाहते हैं कि ब्रह्म लोग क्या है तो सामना जाएगा, विष्णु लोग क्या सामना जाएगा, किसके खास खास जो साधना करते हैं, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है और जिसकी लगन ठीक है, सोच ठीक है और खाने पीने को रोटियों को हेरा फेरी 420 लूट कम नहीं करता, ये साफ हो मन में अपने तरह तरह की बातें भरे पड़े हैं विचार घटिया, तो फिर वो बात ही नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, दुख उनसे बचने के लिए केवल अपने विचारों को पॉजिटिव कर लो, केवल शिव शंकर कर लो सुंदर, घटिया बात स्वप्न में नहीं देखो। बोलो ये बात पहले बताई हुई है रामायण वगैरह मधनौता भक्ति में भगवान राम को बताता शिवरी को प्रथम भक्ति संतन कर संगा दो रीति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंक सेवा तीसर भक्ति बाना मम गुण गान करी तत् कपटी बान यथालाभ संतोषा स्वप्न नहीं देखे प्रदोषा, सब बातें बताई रही हैं पर वो सैन बहन बताई रही नहीं तो को बताने वाले तो है नहीं सुनने वाले कान मार के फिर आ जाते हैं। ये अनुभव का सब्जेक्ट है, तो आप जब इसका अनुभव करता है तो आदमी यहाँ पर अनुभव करता है किस तरीके से है, कई बार नहीं है, आप इस स्वरण से आपकी खोपड़ी में सिद्धियों का भंडार है, आप किसी खास जगह ध्यान करते हो तो सिद्धि आ जाएगी, क्या चाहते हो वो मिल जाएगा, दुनिया की चीज चाहते हो तो ये मत है बीच में टीका लगाते हो ना, आप इस जगह ध्यान करते हो अपना इष्ट बढ़ा के कोई भी एक्सपाइज राम का बढ़ाओ कृष्ण का बढ़ाओ देवी का बढ़ाओ किसी का, वो तो आप बढ़ाते हो, शक्ति तो आप में है, यदि इष्ट में शक्ति होती नहीं है देवी में राम में वो शक्ति नहीं है, अगर वो होती सबको एक मिलती, हिंदुओं का विश्वास है राम पर तो राम का वृद्धि ध्यान कर लेते हैं और वो ध्यान बढ़ जाता है, बढ़ने की पहचान होती है क्या क्या है उसको, ये हो गया ध्यान बन गया, समझेंगे आप, ध्यान बढ़ जाता है उसके अंदर शक्ति आ जाती है तो स्वस्थ हो जाता है। तो आपको सत्यम ये चीज मिलेगी जो जानना चाहते हो, तो पहले क्या जानना चाहते हैं कि हमको दुख नहीं हो सुख ही सुख रहे, तो आपको छोटी सी बता बता दी आपके विचारों में शक्ति है, घटिया विचार जब भी सोचते हो आप रूठते हो भाई से एक पति से एक पत्नी से एक सोचते हो, देख लो घर का रोज का काम है आपका, या तो नहीं बैठे चुपचाप बैठे तो आप बाहर से आते हो आते दो बार पत्नी को कह देते हो भैया क्या किया ये क्या किया ये ऐसे कर दिया वो कर यार बड़े आते हो उधर से तो कहीं तो हदामत करा के आ रहे हो किसी से झगड़ के उसके विचार देखिए और घर में आके डिलीवरी करते हो और पत्नी बेचारी परेशान हो जाती है, या पत्नी तेज होती है कहीं दो चार टुकड़ी चांटा सुनती रहती है उधर से आती है उसका दिमाग वो चीज़ होती है वो आती है पत्नी कहते हाँ ऐसे करते हो आप तो आते हैं ये वो करते हो इधर चढ़की बढ़ जाती है चार बात सुनाती है वो जता के ये समझ बात और उसे पत्नी देखता क्या करें देखो क्या कितनी कड़े कर दी ये कर दी, बहुत दुखी होता है, बहुत दुखी होता है उसको बुरा सोचता है और वो आता है घर में वो आफत आती है हर घर में ये आफत, ये तो घर की आफत बताती देश की आफत है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को बुरा सोचता है वो ऊपर ब्रह्मांड में जाता रहा क्या आफत आती है, हिंदू सोचता मुसलमान खराब मुसलमान सोचता है हिंदू खराब हो ये अपने सोच और फिर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी सोचता वो गया अरे राजनीतिक पार्टी तो बड़ी है सारा था पर्दा जैसे राजा हो वैसी पर्दा होती है ना, तो राजा जो है वो क्या करते हैं कि वो रोजाना के कितर फेंकते हैं उसने ये क्या देखो क्या हाथ हो राजनीति की कैसी हाथ है अभी देश की, अभी सत्संग सुन रहे थे पहले एक दिन क्या था एक मंत्री साहब ने कहने क्या मैं आपका विधानसभा में सत्संग कराऊंगा अभी भी मंत्री हो तो क्या करा देना, अब वो भूल गया बेचारा और ही काम में लग गया जो आपको बता रहे मेरे विधानसभा में चले गए ये डॉक्टर घर बैठे कि मैं कराऊंगा उसका काम हो गया, इस बार भी वो चुनाव में आए उस वक्त आना था उसको तो पूछा मेरे को बोले जी मैं तो चुनाव में जीतना चाहता हूँ कैप्टन साहब बोले आपने जीते तो कौन जीतेगा आप ही तो हैं जीते हुए तुम्हें किसी को नेगेटिव विचार नहीं देता जीते तो बहुत अच्छा उसका घर में हारे तो बदला जाने मेरी क्यों मैंने कोई निर्णय नहीं पहले खुद तो होने में तो गिरती हूँ, तो बोले आपने जीते कौन आप जीतोगे और वो खुद जीतेगा जितने बात बोले फिर क्या बोले जी एक बात और है इसको पता है डॉक्टर विटनेस है मेरे पास बैठे मैं नहीं बात कर रहा ये बात कर रहा है ये डॉक्टर साहब बैठे हैं गर्ग साहब ये बोला अजी मैं तो मेरे मंत्री मेरा नंबर आ जाएगा क्या और आप भी बनोगे मंत्री और कौन बनेगा वो मंत्री बन गए यहाँ पर तो मैंने बनाया मैं बताता हूँ पॉजिटिव चार्ज देता हूँ उसका भाग अच्छा होगा तो बन जाएगा न बने बढ़ा जाना अशुभ कर्म होगा तो कौन बढ़ा सकता है मैं तमाशा कर दिया और वो बन गया और फिर बोला ये करूँगा मैं ये करूँगा लिख के दो डॉक्टर से लिखा के लाया डॉक्टर कमला जी तुम लिख दो कि ये एजुकेशन में एजुकेशन डालूंगा ताकि सबके सब लोग पढ़े लड़के लिखे पढ़ेंगे भला जाना भी कर दो बंद कर दो, कहने का भाव ये कि आदमी में शक्ति है
आप में शक्ति है, सिर्फ आप अपने विचारों को साफ कर लो। विचार कैसे साफ होंगे? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि दीजिए, ज्ञान और बुद्धि सतगुरु से मिलेगा। वो तो ऐसे नहीं सतगुरु ये टोपा बांधे बैठे आश्रम बनाए बैठे, तो गृहस्थ बना लो, मकान बना लो, आश्रम बना लो, ये तो गृहस्थी की तरह है ना। वो चाहते हमारे को पूछे पूछे हम आश्रम बनाए, और फिर खुद जब क्या मिलता उसे, रुपया मिला जी, सोना मिला, तो ये साधु का ये काम है रुपया इकट्ठा करना। महात्मा ये देखिए कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए दाम कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं। वो तो कहता साधु ने भूखा था, तो हम साधु तो नहीं है, गृहस्थी हैं। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं। मेरे पास जो रिश्तेदार भाई बंधु मेरे नियर और डियर आए, वो भी भूखे न जाए, हमारे पास इतना होना चाहिए। अगर एक हजार कुर्सी आने का आपको गृहस्थी को तो दो सही लो जी, इसमें बैठो चार पाई, आपको तो फकीर को देखता ही अपने को सही चार पाँच सही, और बड़े आदमी और ज्यादा सही। अपनी हस्ती के सारू सब चीज रखो जरूरत के मुताबिक, अच्छा खाओ अच्छा पियो, विचार को सुंदर कर लो। निक्की वो पंजाबी में कहते हैं गलत निक्की है गड्डी बहुत है, केवल विचार को कर लो, आज ही कर लो। किसी से दूसरी शत्रुता रखो, जिसने तो आपको बुरा किया उसको माफ कर दो, क्यों तो उसने नहीं किया, आप ही के शुभ कर्म थे तो वो करने के लिए आया। वो आपने सब कर तो उत्तर ढींका था की बारी उनके ढींका माँ की बारी, बदला चुकाने का देश है ये लोग जो है, उसके सत्ता अलग दूंगा, मैं आज नहीं दे रहा हूँ। आज मैं आपको दे रहा हूँ कि क्या तकलीफ किस बात की है, घटिया विचारों की, और इलाज क्या है उस घटिया विचार को छोड़ के सुंदर अच्छे विचार रखो हमेशा, ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा। अगर बाध्यदारी हो और बस निकलगी, आप जाते थे बोले तो विषयों को बुलाई, बस निकलिए, आपको कोई मीटिंग में जाना था कहीं तो उसी में कोई बुलाइए, शादी इस फसल अंतर किया पॉजिटिव बुला दिया, क्यों बस तो निकल गया, रोने से क्या हो गया, रोने से कुछ नहीं होता। और हम क्या करते हैं, ओहो ये हो गया ये हो गया ये दुख हुआ था अज्ञान से। अच्छा दूध ले रहे आप जल्दी से आ रहे हैं, शीशे का बर्तन है दर्द दे पड़े आप पड़े दूध टिक गया बर्तन टूट गया, और यहाँ पर ससो हो और जो देख रहा वो फिर दंग छीर देता है। माँ बती बाप थे बोले ये सीख आ गए तेरी माँ ने ये सिखा गया बिजली ने कहे गले पर नमक वो छिड़कती है, तो उसको कह देती है कोई बात नहीं बेटा फिर की कोई बात नहीं, मैं भी गिर गई थी एक बार और दिया था और चापड़ा रहे और दूध दिया, मतलब समझे कि नहीं, जो घटना होगी उसके लिए रोना नहीं है, बिल्कुल वो होना ही था, कोई वही जो राम रत किया उसको मंजूर कर लो। आज ही व्रत कर लो कि मैं घटिया सोचूंगा नहीं, और पहले अगर जो नाराजी है उनको सबको माफ कर दो, बराबर जाओ कह दो मेरे को गलतियों को माफ करो, वो नशे में कराया गया था यारों मुझको माफ कर दो, मैं नशे में हूँ, हर एक आदमी नशे होता है उसको पता नहीं होता है, तो आप माफ़ कर दो। मतलब जहाँ तक हो सके सुलह सफाई की ज़िंदगी है, बामन जिंदगी है, तो घरों के अंदर शांति रखो, बेटियाँ भी समझो इस बात को और भाई लोग भी समझो, और फिर चाहते हो इधर चाहते हो तो ये तो मामूली बात है, चार्टी बिगिन एट होम, दान घर से शुरू होता है, सुबह उठो घरों में करना शुरू कर दो, उठो अपने बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करो, और को मेरे को आशीर्वाद दो जिससे मैं सफल हो जाऊँ, मेरी दुकान अच्छी चले, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे को ठीक हो जाऊँ, बीमारी ठीक हो जाए, आशीर्वाद दो। गुरु माता गुरु पिता, पहले गुरु माँ बाप, अगर माँ बाप ज्ञान नहीं दें तो आदमी जानवर से देखा हो, अगर जन्मते बच्चा कहीं बाहर रखते वो जिंदा रह जाए कारण से, तो वो उसको पता ही नहीं कोई चीज़ का, तो हम माँ बाप के बराबर कोई गुरु नहीं है, और माँ बाप को हम कभी सम्मान नहीं करते तो उनको मिलेगा क्या। इसे गुरु माता गुरु पिता घरों में उठते सुबह चरण स्पर्श करो, अपनी माँ ने और बाप ने रखो मेरे को आशीर्वाद दो आप इस काम पर, कितने भाई बहने करते हैं हाथ हाथ उठा दो बस करने उठाओ कोई बात ही को नहीं, मैं भी समझ रही हूँ ना आपके, हम एक ही हम जानता हूँ कौन कौन करते हैं रोज की, वो अगर आप समझते हो तो उन रोज की चरण स्पर्श करो, उनकी सेवा करो, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है, तो सब मनुष्य की तो हम कर नहीं सकते, हमको मिली हुई है उनकी सेवा तो हम करते नहीं, अगर हमारा दायरा घर का है पहले घर वालों की सेवा करो, अपने परिवार की करो, बाप हो तो अच्छा बाप बन जाओ, बेटा हो तो अच्छा बेटा बन जाओ, बहू हो तो अच्छी बहू बन जाओ, सास हो तो अच्छी सास बन जाओ, अपना पार्ट ठीक कर लो, सबकी ये करना है अपना पार्ट ठीक कर लो सब कुछ हो गया, आप भला तो जब भला, आप जब सेवा करोगे सबकी आपके साथ आपके कर्म जाएंगे, न पत्नी जागी न पति जागा न बेटा जागा न बाप जागा, जाएंगे हवा निकल जाएगी अकेला ही जाओ, इसका ज्ञान नहीं है मनुष्य को कि तो क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, पता नहीं कब चला जाएगा, क्यों दुख देता है दुख मिलेगा, अगर इतनी समझ आ जा तो फिर कोई बात नहीं है। कहते हैं उर्दू शायरी है, खुदा के पास होने का यकीन मुश्किल से आता है, वगर ना खुदा के पास है तो व्यक्ति कैसी, यानी
जब परमात्मा ही साथ आपके हमेशा समझते हो साथ है मेरे, तो फिर किसकी किससे बेईमानी करोगे? आपको तो देखे, आपको किस भाई की बुराई करोगा, किसकी दूसरे करेगा, किसका बुरा सोचोगे? सब ईश्वर से अपने अपना काम कर रही है। तो आपका मन पवित्र जब हो जाएगा तो सोचोगे वो अच्छा अच्छा सोचोगे, और जब तक मन पवित्र नहीं होता है, नाराजगी है, चाहे सास से है, चाहे बहू से है, चाहे बेटे से है, चाहे पड़ोसी से है, चाहे एक धर्म दूसरे धर्म का पार्टी दूसरी पार्टी से है, तब तक आपका मन साफ नहीं है। और साफाई के लिए कहाँ चल रहा आपको? चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि दे दिए, अब वो ज्ञान बुद्धि दे रहा हूँ, मेरा काम ये आपको मैं आज सत्य ये दे रहा हूँ कि आप अपने विचारों को ठीक कर लो, और कभी किसी के प्रति बुरा मत सोचो। जो करेगा सो भरेगा, तो सास करेगी तो सास, बहू करेगी बहू, बाप करेगा बाप, बेटा करेगा बेटा, भाई करेगा भाई। आपके साथ वो आपके कर्म नहीं अच्छे किए, आपने सुख दिया वो, तो हमें यहाँ पर मनुष्य की सेवा करनी है। और मनुष्य कौन है? अपने घर वालों की सेवा करो पहले, उसके बाद अगर साइट बड़ा दायरा बढ़ गया आपका, या एम एल ए बढ़िए या मंत्री बढ़िए, तो आपका दायरा बढ़ गया। जिन लोगों के पास हाथ जोड़ के गए थे ना आप, हाथ जोड़ के वोट देना जी वोट देना, उनको याद करो, फिर दोबारा आओ दोबारा फिर हाथ जोड़ते हुए आपकी मेहरबानी है सर, और कोई तकलीफ है तो बोलो मैं कुछ सेवा करो। ये करोगे जब तो आपको अदब होगी, नहीं तो एक बार करो फिर सड़क नापो, फिर सड़क नापो, जूते खाओ, रोटी नहीं करते ना, वो सेवा उनकी बड़ी बढ़ेंगी। यानी हम सब यहाँ पर जितने मनुष्य हैं सब मनुष्य की सेवा करने के लिए आए हैं, क्योंकि ईश्वर हमसे वही तो है, ईश्वर ही मनुष्य में तो है। तो पहले गुरु माता गुरु पिता माँ बाप हैं, उनकी सेवा करो, उसके बाद अपने प्यारी पत्नी जो रिश्तेदार हैं नियर और डियर, और उसके बाद जो छुट्टी मिलगी टीचर हो तो बच्चों के लिए सेवा करो, सेवा के लिए आओ, बच्चे पढ़ाने के लिए हो, मारने के लिए नहीं हो, बच्चों को प्यार से पढ़ाओ, जैसे अपने बच्चे पढ़ाते हो, प्यार करो और उनको उनको डराओ भी। उसको ये कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ कड है खोट, अंदर हाथ सारा देर बाहर लगावे चोट। ये नंदर तो प्रेम रखता बांट रहा है उसको, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ कड है खोट, कुम्हार से कूटता ना गड़े को, खोट निकालता सीधा करता है, फिर बात बताए अंदर हाथ सारा दे, अंदर सारा लगाता था गिरे नहीं छूटे नहीं, और बाहर लगावे चोट, तो अंदर से बच्चा पड़के बढ़ा दे बड़े मेरा पढ़ के, तब तो टीचर है, नहीं तो क्या टीचर है आजकल, जाते हैं बच्चों को बता नहीं कुछ नहीं करते, तो उसका फल इतना ही होगा जो कमाई आगे अच्छी नहीं है उसकी, कोई लाभ नहीं होगा उसकी, ड्यूटी नहीं की उसने, कहीं भी ऑफिसर है कहीं काम कर रहा है ठीक ड्यूटी नहीं करता, हजम नहीं होगा, कोई बीमारी हो जाएगी, कैंसर बता देंगे, ये बता देंगे, पत्नी हो जाएगा, ये हो जाएगा, पैसे इजी कम इजी को, जो बगैर मेहनत करे हुए पैसे खाते हैं, चाहे नौकरी करो चाहे कुछ भी करो या दुकानदारी करो, जरूरत से ज़्यादा जो मुनाफा रहते हैं धोखा दे करके कोई फायदा नहीं। चाहे डॉक्टर हो जैसे डॉक्टर हैं हम जाते हैं, जाते हैं तो डॉक्टर अगर देखता है छी छी छिंकता आदमी एलर्जी है या तो जुकाम हो गई तो गोली जुकाम की देनी, 20-30 रुपये की गोली दे दी तो ठीक हो जाएगा, आजकल 100 की लग जाएंगे, 150 की लग जाएंगे, वो जुकाम से है उसको पता है जुकाम है, आए तो जुकाम है मशीने ला ला के रख रखी है टेस्ट करने की बहुत सी, तो उनकी उगाई गड़बड़ जाओ चेक कराओ टेस्ट कराओ, लेकिन पता है तो जुकाम टेस्ट करा रहे आपको, उसकी साहब को सजा मिलेगी डॉक्टर साहब, ये लूट काट के पैसे इकट्ठा करेंगे तो अभी अबाड़ से हालत हो जाएगी, तो पैसे कहीं डॉक्टरों के पास मिलते छुपाने जगह नहीं मिलती है, अभी खोजते जाते बुखार हो जाती, कहीं तो बावड़े हो जाते बुखार हो जाते चार चार दिन, और फिर वहाँ को होश में आते, तो ये हालत आप समझेंगे नहीं, तो वो तो पैसे कमाते हैं वो हर चीज कमाई के तरीके से खाओ ईमानदारी, और कब करोगे जब आपको ये पता वो देखता है मेरे साथ है, आप कार्ड फेरेंगे परमात्मा से डरते, डर तो रहे नहीं आजकल, न माँ का न बाप का न किसी का नहीं मेरा नहीं देना न सरकार का, इसी सरकार और इसी हम और ये सब चाहिए ना सर। तो आपको क्या करना है, पहले अपने विचारों को ठीक करना है और सेवा करनी है, हम सेवा करने के लिए पैदा हुए, सब सेवा कर रहे हैं, एक कलेक्टर भी सेवा कर रहा है, SP भी सेवा कर रहा है, और एक चपरासी और एक स्वीपर सेवा कर रहा है, सड़क को भार रहा है, अगर सड़क को नहीं भारी जाएगी तो क्या हालत होगी, गाड़ियाँ नहीं चल सकेंगी, आप समझेंगे बात, हर आदमी मनुष्य सेवा कर रहा है किसकी, परमात्मा की, और कहाँ परमात्मा, आप जो मैंने समझा हो सत्ता गलत हो कोई बात नहीं, जो तो मैं कह रहा हूँ कोई जरूरी है कि मैं कह रहा हूँ सब सत्य है, अगर आपको सत्य दिखती है कोई बात में तो वो सत्य है, अरे नहीं दिखती तो कुछ नहीं, तो मैं वो सत्य नहीं दे रहा हूँ आपको, कथाकार नहीं हूँ कि आ जाओ बैठ जाओ आ जाओ और मैं फिर वो अपनी बात बताऊँ, कि नहीं तो मैं आपसे पैसे लेने के लिए आया हूँ, न मैं कोई बड़ा आदमी बढ़ने के बड़ा आदमी हूँ, बड़ा आदमी हूँ ही नहीं, मैं बिल्कुल सत्संग का यही है कि आप जाओ बैठ जाओ, देने वाला अगर वो वास्तव में कुछ है
तो वो सत्ता ही बोलेगा। अरे उनके चेहरे को देखते रहो, आपके अंदर वो आ जाएगा। वो क्या बोलता है वो सुनते रहो, और सुन के फिर उसको ढूंढना कि क्या कहा, क्या बात थी मेरे लायक, क्या बात थी ये। अगर आपके साथ ऐसी बातें बीतती हैं, आप इस कैटेगरी में हैं, तो वो कैटेगरी से निकल जाना। अगर आपको गुस्सा आता तो आज से तलाक का जो गुस्सा नहीं करूँगा, तो गुस्सा उसको मकान पकड़ रखी हम अपने आप ही, अपने आप समझाए। ये मेरी बात याद आ जाए, वो गुरु है। जब आप गुस्सा करते हैं, मेरी याद आ गई, जुलम कर रहे हो, आप गुस्से सोच रहे हो, बड़ा नुकसान हो रहा है, ये विचार ऊपर जा रहा है, आपको तकलीफ, पूरे परिवार को तकलीफ, वो बात याद है, उसका नाम गुरु है। आप समझे किसी आदमी का नहीं है, पर ये बात आदमी ही तो बताएगा, आदमी को, मनुष्य मनुष्य को बताएगा। तो क्या करना आपको, इस दुख से बचना है तो ईर्ष्या द्वेष बुरा विचार निकाल दो पति, और सबको ईश्वर समझो, और सोचो जो सोचूंगा कोई घटिया विचार से काट दो, क्यों सोचता हूँ उसने भाई ने ऐसे किया तो भुख पाएगा, मैं क्यों बुरा सोचूं। अब भाई भाई से चला क्या करता है, जो धंधा है घर का, एक भाई तो चार पैसा बनता रहता है, वो सोचता भाजी मारी भाई और घटिया नहीं मेरे पास रहेगा, बुरी आदत रहेगी उसकी, बहुत बुरी तरह से परेशान रहेगा। आप समझे, सास बहू हुआ जोड़ी जिठानी जो कट्ठी परिवार है, जिठानी का हाथ में ताल्लुक है, देने जाने का वो करती है, खिलाती खाना पड़ा, आपके बेटों को कुछ हत्या दे देना और वो उसको नहीं देना, सजा मिलेगी। अगर ये पता हो जाएगा तो ऐसे करेगी नहीं, सब सब बच्चा कहाँ भी चाह दूँ, जिठानी जिठानी का बच्चे का उसको सब प्यार से प्यार से, और आप सोचते मेरा है ये, मेरे देखो तो कुछ ज्यादा दे दूँ, उसको नहीं दे दूँ, सजा मिल जाएगी, क्योंकि आपका हाथ में भंडारा मिला हुआ है ना, और मिस यूज करे उसको। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, आपको गृहस्थी आदमी गृहस्थ वाली बात बता रहा हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ गृहस्थ में तकलीफ क्या है, वो अज्ञान की, अगर सुख है सब कुछ है गृहस्थ में, आप जो चाहते हो वो मिल जाएगा, आपके विचार में शक्ति है। ये टीका इसीलिए करते हैं, सुबह शाम करते हैं टीका करते हो, आते हैं रोशनी आशनी करते हो, तो अंदर साधन की बात तो छोड़ो, पहले पूरे खुशी हो जाओ, आदमी बन जाओ, और सब लोग परमात्मा देख रहे हैं, मैं किसी के साथ हेरा फेरी दूर कर नहीं करूँगा, चार दिन की जिंदगी कल पता नहीं हवा निकल जाएगी तो मैं सेवा करूँगा। और पहले घर में ताल्लुक करो, गुरु माता गुरु पिता, जो माँ बाप का सम्मान नहीं करता है वो चाहे कितनी महात्माओं के पास पैर दबाते रहो, कितने रुपया देते रहो, कुछ नहीं। गुरु माता देखो माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ा, मेहनत करिए, जो कर्म करा वो भोगेगा। बाप देखो झूठ बोला, घेरा फेरी से कमाई करी है तो सजा बाप को मिलेगी, लाला कि हमको खिलाया, आपके पास पैसे चार छोड़ गया, समझेंगे बात। तो वो जो चीज़ है आप अगर समझ आ जाएगी, अच्छा सोचोगे, तो दुख नाम की चीज़ बेटी और भाइयों नहीं है, दुख सिर्फ इसका है अज्ञान का। तो आप इस अज्ञान को दूर करो, कहाँ दूर होगा सर, सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि दीजिए लगाया मैं। अब सतगुरु क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन है उसकी भी, हरेक आदमी की, हरेक आदमी की, तो चेले की क्वालिफिकेशन है, तो गुरु की क्वालिफिकेशन है। गुरु कौन, ज्ञान देने का नाम गुरु है, हर तरह की, हर तरह की इस लोक में दुखी तो वह बताए। ये नहीं हम तो आध्यात्मिक बात करते हैं, मंत्र ले जाओ बीज मंत्र लेते हैं, ये पाखंड है सब, कुछ के पास कोई बीज मंत्र नहीं है, आपका विश्वास का खेल है, आप विश्वास करो तो है नहीं कुछ नहीं। अब जो बाहर से आते हैं देवी देवता आते हैं, या कोई गुरु पीर प्रकट होता है तो वो नहीं आता है, क्या प्रूफ है मेरे, मेरे आप खुद प्रूफ, मेरा जगह जगह स्वरूप प्रकट होता लोगों का, काम करता लोगों मुसीबत बन जाता है, मेरे बाप को पता नहीं, जगह जगह एक जगह नहीं, अच्छे पढ़े लिखे, मेरा आदमी पढ़े लिखे लोगों का काम करता हूँ, मुझे क्या ठीक है, पढ़े लिखे लोगों, विद्वान लोगों को, समझदार लोगों को जिज्ञासु ज्ञान देना, तो लिख दे, वो लिखा है वो लिख के दे दिया, कि वो जो बात थी वो पढ़ो, मेरे दाने की जरूरत को नहीं, घर में जाओ पुस्तक पढ़ लो, 17 पुस्तक है, जो पुस्तकों में क्या लिखा है डॉक्टर घर को पूछना, ये बैठे हैं ये मेरे जो पढ़ने वाले हैं उनमें से रीड रहिए, ये भी नहीं कहता कि क्या पार हो गए ये तब भविष्य कहीं और चले गए, पर मेरी पुस्तकों में पढ़ा है, और पढ़ते पढ़ते कहते कि अपने साहब कमाल कर दिया, यहाँ से फोन करता है क्या, बोले उसमें ये आपने ये लिखा है, यहाँ तो कमाल ही कर दिया, तो बिल्कुल पूरा ज्ञान लिख दिया इसमें, यानी ये कहते हैं कि पूरा ज्ञान तो है दुनिया का, वो सब उस किताबों में लिखा है, ये आपके सामने बैठे और भी है कहीं, पर ज़्यादा अभी जब रिपोर्ट ये देते, बाकी रिपोर्ट देते सब पढ़ते हैं, जज भी पढ़ते हैं, डॉक्टर भी पढ़ते हैं, IAS भी हैं, जिसमें कलेक्टर सेलेक्टर कमिश्नर वगैरह सब है, अरे खाली में रीड नहीं होता, थोड़ी देर बाद पढ़ाई नहीं आती, नींद आ जाती है, तो मैं कहा मेरी पुस्तक घर बैठे पढ़ लेना, बहुत ही सत्संग, और ये आपके लिए जो आए ये पुस्तक दिलाऊंगा, ये भाई जो सत्संग करा रहे हैं ऐसे नहीं आया मैं इनके पास इसलिए आया हूँ कि भाई कुछ आपके नियर डियर को बुलाओ, जितने आपके प्यारे हैं अच्छे बुद्धिमान हैं इस तरह के उनको बुला लो, भेड़चाल नहीं करना, लोगों को इकट्ठा नहीं करना, समझा, और फिर उनको ये दो पुस्तक, उनको ज्ञान की पुस्तक दो, तो घर बैठे वो पढ़े, मैडम पढ़े, बहू पढ़े, बेटी पढ़े,
भाईपटे आने वाले दियर और डियर भांजे बसी देखो पड़े तो उनको देने के लिए ये करो तब तो भाजाऊँ वो भूखे नहीं आप एक दो दो पुस्तक सब ले जाना पढ़ना और पढ़ने के बाद में आज जो जो हैंड का वो भी ले जाता है दूसरे को देना आपको वो जाएंगे देना अगर ऐसे सुन के जाओगे तो उनको कोई लाभ नहीं होगा पैसे देख जाते हो नहीं कथा सुनते हो जाके आते हो तो कथा का फायदा होता है तो वो कह रहे हैं कि मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है क्यों मैं तो ऐसे आदमी हूँ गृहस्थी आदमी हूँ खाने पीने कोई तकलीफ नहीं पेंशन ले आदमी हूँ अच्छी पेंशन मिल जाती है 50-55 हज़ार रुपये और मैं दूध पीता हूँ 150-250 ग्राम दूध एक फुलका खा देता हूँ सुबह शाम तो 50-10 आदमी को खाना खिला सकता हूँ कभी ये तो मैं आपसे मैं पैसे लेने के लिए आया हूँ मैं सिर्फ ये जान की कि आप ईश्वर अंश हैं गुरु जी ने आज्ञा दी थी और बताओ बेटी भाइयों आप में बड़ी भारी शक्ति है और आपका दुख इस बात का तो उसको छोड़ दो आज ही छोड़ दो तो जोर जोर रोज आने की जरूरत पड़ी और घर में मेरी पुस्तक बनाई पढ़ दो 4-5 वर्ष अरे बात सब समझ आ जाएगी और उसके बाद काम करो उसके मुताबिक रहनी बना लो जो उसमें लिखा वैसे आदमी आज बात बात नहीं जरूरत वो जिंदा है वो मुर्दा भूख नहीं है कहते नहीं मुर्दे गुरु को करने से कुछ नहीं मिला मुर्दा जिंदा है क्यों मैं हाजिर बैठा हूँ जब मैं जीवता नहीं जा रहा हूँ तो कौन गुरु आता है कौन देवी आती है आपके अंदर कौन भूत आता है भूत की बात सुने तो भूत आ जाएंगे देवी की बात करो देवी कौन देवी आ जाएगी राम के तो राम आ जाएगा न राम आओ न देवी आओ तो बताने के लिए आपको आएंगे नहीं अभी और न आज हाजिर गुरु बताएंगे जो अभी बैठे सारे दिन टेलीविजन सुन देखते और उन पर वो बातें कर रहे हैं खूब बीज मंत्र ले लो ये ले लो वो ले लो ये सब पाखंड कुछ शक्ति नहीं है मैं कहीं भी जाता हूँ मैं सोचता हूँ कोई मिलता है महाराज कुछ कर सकते हो क्या आप कुछ कर सकते हो तो बताओ कुछ करके दिखाओ कुछ नहीं क्या क्या कर और वो ज्ञान देते हैं बराबर तो वो बता नहीं सकते क्यों वो बताएं तो वो इसीलिए और दूसरा चेले नहीं बनेंगे इतने मैं तो चेलो इतना नहीं मैं तो चेला खुद हूँ मैं तो गुरु आप हैं कैसे आप जब बताते आप में से कोई भाई बहन के साथ होती घटना वो बताता मेरे को क्या आप आए मेरा ये कर दिया आपने मेरे को बचा लिया ये कर दिया वो कर दिया मैं सोचता हूँ मैं गया नहीं तो उसको बताता हूँ मैं तो आया नहीं पर तेरे में तेरे विश्वास में मांगा है सिद्धि आपकी अरे मानने को बोले सब कुछ करो मेरा ये भी करा था आपने ये भी कर दिया ये भी करा वो तो फिर समझा नहीं बात सत्यम सुना कर सत्यम विश्वासियों को 15-15 साल 20 साल 20 साल हो गए पढ़े लिखे और वो समझ रहे बोले आप लोगों को बताते हो बताते नहीं आप सब कुछ करें तो मैं ऐसे करना आपके लिए करूँगा बाकी बाकी नहीं करूँगा बताना मत किसी को दूसरे सत्ता मत करना था पीछे लोग मुझे क्यों मैं स्वाप बताता हूँ मैं दुआई करता हूँ भाई मैं कानून को हाथ लगाता हूँ मैं कहीं नहीं जाता हूँ नहीं मुझे पता होता है अब आप बैठे क्या दुख है आपको मुझे मालूम नहीं मैं जरूर बता दिया ये दुख है अब किसको दुख है मुझे पता नहीं अज्ञान का दुख है और ऐसे दुखी सुख सब दुख सबको है कोई भी सुखी नहीं घाटे बात है सब कोई बड़े आदमी से दुखी तो ज़्यादा बड़े उनको नींद गोरियाँ आवाज करें रिपिया करो मेरे धन को धन बहुत ज़्यादा है धन रात को नींद नहीं आ रही रात को गोलियां लेके सोने की तरह तरम लाते हैं चित्र आते हैं तो ये बात है कि इंसान दुखी है क्यों ज्ञान से तो आपको ज्ञान देना मिलेगा कहाँ सतगुरु के हाट सतगुरु के सत्संग सतगुरु कौन जो सच्चाई बताता है जिसका अनुभव है और वो कोई पाखंड नहीं करेगा नहीं तो टोपा लगाएगा नहीं वो ये करेगा नहीं वो तिलक करेगा नहीं कुछ करेगा वो वृंदावन के आएगा समझेंगे नहीं अनुभव माड़ा बुड़ा पैर अब मेरी कई माड़ा की फोटो लगा रखी है किताबों पर मैं क्या डॉक्टर कमला जी मत करो बोले मैं आप तो नहीं चाहते हम चाहते हैं तो बात यह है आज के सत्संग यह है कि दुख कोई चीज नहीं है दुख सिर्फ ज्ञान का है अभी साधन की बात आ जाती है जब आपके पास सब कुछ हो जाए खाने को रोटी रहने को मकान पहनने को कपड़े मतलब खाना पीने आपकी जरूरत पूरी तब फिर आपके सोचिए क्यों कि सदा रहना नहीं है तो धारणा कि इसके बाद कहाँ जाएंगे क्या होगा क्या होता है तो आप जो कुछ सोचते वही हो जाता है अगर सदा के लिए आप अमर होना चाहते हो सदा परमात्मा का रूप अंशबुद्धि जाना चाहते हो तो वो सिर्फ मनुष्य जा सकता है और ऊपरी लोगों में कोई की व्यवस्था नहीं ऊपरी लोग कौन जा नहीं सकते जहाँ पर है कोई व्यवस्था होगी मनुष्य दुनिया में जो आता है वो इधर साधन करके और जहाँ से आए परमात्मा के अंदर जाके बने जाए उसी का आंसर उसी मिल जाएगा दाई बूंद है वो गिरेगी पानी में तो पानी बन जाएगी समुद्र के अंदर गिरी तो समुद्र का रूप बनेगी तो आप बूंद रूप आप हैं ईश्वर अंश है ईश्वर बना अंश है उसके जैसे बूंद पानी का तो अंश है और वो जो गिरेगी उसके अंदर मिल जाएगी तो उसके अंदर मिल जाएगी तो अगर आप उसमें मिल के अमर होना चाहते हैं जीते मुक्त होना चाहते हैं तो उसका साधन आपके पास मनुष्य को जा सकता है वो साधन तब करें जब खाने को रोटी पहनने को कपड़ा साधन करने से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें ब्याह शादी कर लो बच्चे पैदा करो 1-2-3-4 स्वाद के लिए गृहस्थ को गोपति
स्वाद के लिए भोगोगे आपकी शक्ति निकल जाएगी। वो ब्रह्मचर्य की शक्ति आदमी के अंदर स्वाद के लिए, स्वाद के लिए क्या करो, वो ब्राह्मण वाला मंत्र इधर आ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत् त्रिभुवनं भर्गो। सफेद रंग के प्रकाश का दर्शन इस माथे के पीछे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं आपको सारा ही बता देता हूँ कोर्स पूरा, क्योंकि मैं को मेरे ये करना मत आप किसी को अनुभव की नज़र में करना है, क्योंकि वो देखेगा आपको कि आप डॉक्टर की तरह के ये काबिल हो गए भी आपके माथे में शक्ति है कि नहीं। अगर बिल्कुल से समझो 80 साल के हो गए फिर कहते हो मुझे कोई प्रकाश नहीं आता सब नहीं आता, वो जानता भी नहीं आएगा। अच्छे दिन काम तो खत्म हो गया, शक्ति गई, तो फिर आपको क्या बताएगा, छोटी मंत्र बताएगा कि आप कुछ मत करो, केवल एक विश्वास रखो, एक विश्वास रखो, जिसे आपका जी आप रखो, राम रखो, किसी एक को रखो, सब कुछ मेरा माँ बाप सब कुछ, और उसको मैं सब रखते रहते थे, विश्वास रखो, कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, एक विश्वास रखो, मनमाई नानक सर्व लोग कट जाए, अगर आपका विश्वास है खेल से विश्वास करें तो उसके लिए नहीं बताएगा तुम साधन करो ये करो, और वो इससे इच्छा रखेगा तो सीख छोड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा शुरू करेगा और पूरा कोर्स कर जाएगा। मतलब जो इच्छा दे दी वो इच्छा पूरी होगी आपकी, धर्म की ऋण दे दी तो आप धर्मात्मा बढ़ोगे, धर्मात्मा का मतलब खुश हमेशा उमंग रहना, पापी का मतलब चिंता फिक्र डर भय दुखी होना। जब कुछ रूप से बैठे तो हम सब पापी ही घराड़े, रूप से बैठे ना कोई चीज से कुनीन खाड़े की तरह, बोलना को नहीं हंसा को नहीं, तो सबने पापियाँ तरफ से विचार करा ये हो जाए ये हो जाए, और जब खुश आप बिल्कुल से हंसते हैं खुद खुशी से प्यार से रहते हैं तो आप धर्मात्मा हो। धर्म का मतलब खुश से, पाप का मतलब दुखी होना, और दुखी करें तो अपने विचारों से दुखी हैं, विचारों से सुखी हैं। तो पॉजिटिव ऑलवेज है, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार रखो, घटिया निकाल दो, नाराजी दुश्मनी है सब समेट लो। राजीनाम पुलिस में जाते हैं ना मुकदमा दर्द कर दिया आपने किसी के खिलाफ, और फिर बोलते हैं राजीनामा हो जाओ, चलो चलो राजीनामा लिखो, राजीनामा तो आज से राजीनामा लिख दो कि जिसने मुझे दुख दिया उसने नहीं दिया, मेरे ये शुभ कर्म ने दिया, और ऐसे करके राजीनामा करो, और भी कोई आपने नहीं दिया दुख, मेरा ही कर्म था, कोई बात नहीं भाई भाई मेरे लायक कोई बुरा मत सोचो, मेरे लायक कुछ सेवा तो बोलो, पड़ोसी ने बोलो मुँह सुधारे क्या बोलो, हाँ सुनो राम राम भाया धर्म जी भाया नमस्ते भाया, तो जो कुछ आप बोलते हो वो नहीं बोलो दो चार मुँह सुधार वही बोलो क्यों नहीं भाया, ये सदा थोड़े ही रहना यार, चार दिन दिए को बात मेरे लायक है तो बता दे मेरे लायक, नाराजी मत रखो, सास नाराजी जिठानी पहले नाराजी नाराजी खत्म करो, सास ने कुछ कहा माफ़ कर दो कि उसके बस की बात ही नहीं थी, पिछले कर्म का चक्कर था और मेरे को अशुभ कर्म थे, बोले माता जी जो कुछ हुआ पीछे ठीक है, और आज से आगे मुझ आपके अच्छे भगवान खुड़ के रहूँ और आपके अच्छे साथ बढ़ूँ, अब मेरे से गलती हो जाए फिर भी कही आदत है ना वो बड़ी बड़ी खोपड़ी तो नाराज गुस्सा करेगी, बोले कुछ तो बोले कोई बात है मैं तो जानू इतनी बात थोड़ी जानूँ आप जितनी, आप ज़्यादा उम्र होगी आप सियाने हो, उसको बड़ा बड़पण है बड़ी और चाहता नहीं होता ना आदमी का, तो उसको बड़ी कर दो आप अच्छा बोलो नरम जो उसको चैलेंज प्रेस कर दो, शाम को एक दो घड़ी पैर दबा दिया अगर 5-10 मिनट बूढ़ी ज़्यादा पैर दबा दो और उसके दबा दे खुश हो जाएगी, कपड़े अच्छे धो दिया करो अच्छा बढ़िया, और आजकल परफ्यूम वगैरह आती है काफ़ी परफ्यूम थोड़ी दे दो खुश वगैरह आती खुश रहेगी, मेरा मतलब है खुशी दो आप क्या चाहता खुशी कर दो तो वो अच्छा सोचते हैं कि भारत भूख बहुत अच्छी है, चाहे अपना एक्सपीरियंस मैंने देवा बीनी बीनी मेरा बहुत कपड़ा साफ करे बहुत सियाणी वाइया करे, और बहुत मन सोचा कि उसे आप सूखे हो जाओ, तो गर्मी है गर्मी गर्मी घर दिखला दे वो सतगुरु सुधार गर्मी दिखा, मैं तो आपको गर्मी बताता हूँ चार्टी बिगनेट होम, आप अपने घर में खुशी है तो इसका धर्मात्मा है, और खुशी कैसे हो गया सब अड़ छोड़ दो, और किसी आदत ही ऐसी है तो सोचते ही फेमस की बात नहीं है, कड़ी की आदत है बस की बात, वो पीछे शेष कार्य माना नहीं कर जो करें चाहिए बस की बात करें, तो उसकी आदत छुटानी है तो सत्संग में जाओगे कोशिश कर लो, 5-10 मिनट जैसे सत्संग सुना लो फिर वो ठीक हो जाएगा, समझेगी बात, तो मैं बता दूंगा तुम ये कर दो ये कर दो ये बात वो समझेगी, तो आज के सत्संग में एक पर ये बात सबसे बड़ी बात वो बोले हूँ इतना मैंने सत्संग और देना था, मैं 10 सत्संग दे रहा हूँ, मैं चाहता था सब कुछ बताऊँ ये अगर ये बात बताने मुझे टाइम ही नहीं मिलती, तो भी आपको असली चीज़ क्या बताना चाहता था कि यहाँ पर साधन करने वाले सुन लो, पहले सुख बता दिया कि आपने घर में सुख देना है, मन को साफ करना है, कोई बुरा किसी का रखना नहीं है, और उसका व्रत कर लो को मैं करूँगा नहीं ऐसा, और उसके बाद हो जाने तो फिर आप प्रकार बोल लो कुछ मेरे पास की बात को नहीं कही माफ़ी मांग लो, कुछ कह दिया नाराज़ होगी सास मुँह सुधारा ख्या तो देखियो आपको नाराजी है तो पैर पकड़ी माता जी मैं क्या कह दिया क्या नाराज होकर बन पाओ, और जो कोई बात है बनता है माफ़ी मांग लिया, और बहू ने कोई काम ऐसी कर दिया करते कोई बात सास ने कुछ कह दिया आपने कड़ी बात पास नाराज होगी तो सास ने राजी करे बेटा मेरे मुझसे निकल गई मेरे बस की बात नहीं है माफ़ कर बात चले यार मुझको माफ़ कर दो मैं नशे में हूँ
तो आप माफी दो और माफी दो माफ कर दिया करो। कहते दया दया जो है ना, कहते जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ कड़े तहाँ काड़े, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जिसमें दया है वो धर्म है, दयालु है तो मन भगवान अच्छा करे, और जहाँ लोभ तहाँ पाप, लोभ पानी दूसरा गड़ा काट के अपना कपड़ा कम रहना, लोभ का मतलब दुख दूसरे को दुख दे करके सुखी होना। ये लोग जहाँ लोग कहाँ पाप, पाप मन दूसरे आत्मा दुखाना दुखी मुँह सुधारे तो बिल्कुल कहे बच्चे को साफ ही रखो दिल। और जहाँ क्षमा जहाँ आप क्षमा वही कर सकता जिसके अंदर परमात्मा हाजिर है, तो परमात्मा तो आपके हाजिर है। जब आप क्षमा करते तो आप परमात्मा का रूप है, परमात्मा ही क्षमा कर सकता है, बाकी करते क्षमा होती नहीं है। तो जब किसी को गलती करता है फिर आप क्षमा करते तो कोई चोरी करी देगी आपकी, अब बोले जब तक करी तो कहो दोबारा मत करना, डांट देती कोई भूत माता को नहीं करना और मत करना, तो आप तुम परमात्मा निका बोलो सदा मिले जी और ये मिले जी जो प्रूफ है दिल्ली है पीछे पड़ जाओगे। तो क्षमा कर क्षमा का वादा होना चाहिए, कोई गलती के साथ माफी बोले है और मत करना। मैं बच्चों छप्पी रहता होता ग्रेट में ग्रेट में तो मान बताऊँ ये बता दिया करते गड़बड़ कर रहे हैं, बोले भाई तेरे तीन छप्पी लगाए चलो गुरु जी तू तो बड़ा आदमी बनेगा। बेटा बड़े आदमी ऐसे नहीं करते, बड़े आदमी गाड़ियाँ नहीं देते बेटा, खराबी कर बड़े आदमी है ऐसे नहीं करते बड़े आदमी। बड़ा आदमी को ऊँचा संस्कार दो बड़ा आदमी बन जाएगा, वो वीर भर्ती रहो तो घटिया मत बोलो तो नालायक है तो नालायक बन जाएगा। बच्चों को घटिया संस्कार मत दो। एक मैंने पुस्तक लिखा है कि सुखी जीवन का रहस्य, उस मैंने लिखा कि देश का किनारण करना है तो इस जनरेशन से तो होगा नहीं, क्योंकि तो घटिया है अनचाही है, स्वाद के लिए पैदा कहे गए तो जैसे हम आउट ऑफ ऑर्डर थे कंट्रोल थे वैसे ही बचे। आगे बेटियां अगर अच्छा इच्छा करके संतान पैदा करें, हे प्रभु ऐसी संतान दे मुझे सुख दे, परिवार को सुख दे, मेरे आज्ञाकारी हो परिवार का आज्ञाकारी हो और उन्होंने सिद्धार्थी दुखिया सबको सुख दे, तो आपकी माँ की डिमांड बहुत बड़ी है कि कोई ऐसी महान आत्मा है जो मनुष्य मात्र को सुख दे। या तो वो कोई बड़ा उतार बन गया जाएगा या कोई बड़ा वैज्ञानिक बन गया जाएगा, इससे कोई नई चीज़ करेगा, समझेगी नहीं बात। बड़ी संतान अच्छी संतान आएगी जैसे अच्छी माँ करती है, पेट में बच्चा होता है तो माँ सोचती है मैं खाती हूँ तो बोलते वो तो रस मिलता है, और जो कुछ मैं कहती हूँ वही बच्चे संस्कार आते हैं, सोचती है वही बच्चे में आ जाएंगे। अगर आप गुस्सा करती हो तो बच्चे में गुस्सा होगा, अगर आप कुटती हो तो बच्चा कुटेगा, आप चुगली करने की आदत है तो बच्चा चुगली करेगा। तो बेटियों को ये पता हो जाता है तो साफ रहेंगे, अच्छा पाठ करेंगे, ऊंचा विचार रखेंगे। तो मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो लड़के लड़कियों को ये कहता हूँ तुम अच्छी संतान पैदा करो, तुम यहाँ प्यार करने नहीं आए हो। कोई लड़की जिसे बताता हूँ सब भाई हैं, किसी लड़के से वो प्यार नहीं मत करो, कोई शरीर का मन से समझ मत रखो, नहीं तो क्यों तुम्हारी जवानी है उमंग आ रही है कामुकता की, ये तो होती है ना उम्र होती है, तो कंट्रोल रखो और बिल्कुल ये विचार ध्यान रखो, बिल्कुल सब लड़के भाई हैं, ब्याह शादी से पहले किसी लड़के से प्रेम मत करो बिल्कुल। अगर सुखी रहना चाहती हो तो अन्न रहती हो तो रुकी रहो, अब इस चार दिन प्यार करेगा लड़का तीन दिन छोड़ जाएगा, उसकी माँ बाप बोलेंगे नहीं फिर तुम रहोगी, तुम तो वो वादा करेगा मैं शादी तेरे से करूँगा तेरे से करूँगा, और फिर बाद माँ बाप जुदा मारेंगे वो डरपोक लड़का शादी करूँ माँ बाप बोलेंगे दुखी हो जाओगे दूसरे लड़के। ये आम मिलती है सिखा, जो यंग डॉक्टर हैं लड़के लड़की उनकी से मिलती है, वो कहते जी वो मतलब प्यार करता था वो लड़का अच्छा करती है वो ऐसा करती है वो रोती हूँ क्यों रोती हूँ, वो अच्छा लड़का ठीक है माँ बाप होता है फलाना मेरे प्रश्न देख लेना, अगर उसके माँ बाप राजी हों जाति बिरादरी में करो इंटरेस्ट करते रहे मेरे दुखी होता रहोगे। और लड़के लड़की उनको बताता हूँ ये बात है जो पढ़ते नहीं यूनिवर्सिटी में लड़के लड़की उनको बताता हूँ ये खराबी है, इंदिरा गांधी ने अपने बाप की क्या नहीं मानी थी, बड़ी मिसाल देता हूँ देश के प्रधानमंत्री कि उसने आपकी बात नहीं मानी, नेहरू बोला बेटा मैं ब्राह्मण हूँ और वो यहूदी के साथ शादी कर ली, तो वो करता नहीं था पंडित नेहरू जी, तो गांधी जी ने बीच बिताओ करके बोले मेरे को तो मिला दे वही इनको गांधी बना देता हूँ, यह भी गांधी है और फिरोज भी गांधी है, तो गांधी करिए चीप टाप करिए मैं तो कर दिया उसका, और थोड़े दिन के बाद वो काम करता था भोगी परे खत्म होया और वो पूरी उम्र बुरा बुरा बाचार अखबारों में निकालता रहा, इंदिरा गांधी के लिए तरह तरह की बातें निकालता रहा, प्रधानमंत्री बनी जेल भी गई ये भी गई, आखिर में क्या हुआ अंत उनको बताता हूँ आखिरी अंत क्या है उसका, उसको कुत्ते को भी ऐसे मारे से मारा प्रधानमंत्री देश की ने टट टट उसकी गाड़ दी, क्यों कि उसने दुख दिया बाप को, बाप माँ ने फाड़ी ऐसे नहीं करती बाप की आज्ञा नहीं मानी, इसे बच्चे लड़के लड़के बताता हूँ तुम माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगे तो ये हालत होगी, तुम देख रहे हो प्रधानमंत्री की हालत क्या हुई कैसे बोत हुई तो तुम्हारी क्या दशा होगी देखो दुखी हो जाओगे, इसलिए आपकी जाति बिरादरी में शादी करो, तुम बच्चे फिर लो जाति बिरादरी का संस्कार मिलते हैं
ब्राह्मणों का संस्कार अलग है, पादरियों का संस्कार अलग है, किसानों का संस्कार अलग है। वे संस्कार में करो तो दूसरे क्यों जाते हो, किसी की इज्जत हो तो भैया उत्तर जाते हो तो बच्चे बिगड़े हैं सब। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़के तो आपने भेजा था ना भाई, ये क्लास में पढ़ा है, बारहवीं क्लास में पढ़ा है, मैंने मेरे के पढ़ा है, मैं आपका लेक्चर टीचर हूँ, आपका गुरु हूँ, पढ़ने वालों को जो पढ़ाता रहे हूँ, विद्वान भी हूँ, तो मैं जब वो देखता रहे फिर वो क्या कर रहे हैं और वो कैसे कैसे रहते हैं, इसलिए उनको ये शिक्षा देता हूँ। ये नहीं देता आप लोग मेरी बात आपको दी, वो सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। तो घर में ही करो, पहले अपना दादा है, बाबा है, बूढ़ा है, सास है, उनकी सेवा करो, उनकी प्रेम करो, उनका सम्मान करो। गाड़ी जोड़ी आ जाए बच्चे का सभी चरण स्पर्श माँ बाप से आशीर्वाद देकर जाएगा, उससे बड़ा फल है सब जगह, क्यों माँ बाप हटाने वाले तो घर में शुरू करो पहले, और फिर बाद में आप घर माता बन सकते हो। अगर घर में सुख नहीं दे तो नहीं मिलेगा। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास से लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नादान। रामायण की तो पाई है कि जिस घर में संपत्ति है, प्रेम है, सब खुश है, उसे संपत्ति गाड़ी घोड़ा मकान दुकान हाट हवेली संतान सब कुछ, उस घर में कोई संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। अपना घर में खुश है, सब एक मत हो कि काम करते हैं तो वर्षा हो जाएगी आपको। तो क्या क्या लिखा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, खुद से सब घर वाले कोई दूसरा बुरा नहीं चाहते, भुला चाहते, सम्मान करते, माँ का बाप का बड़े का भाई का सब, तो उस घर में कोई कमी नहीं है। जहाँ कुमति रुसा बनी है, बेटा बाप की बात नहीं मानता, सम्मान नहीं करता, ऐसे नहीं करता, भाई भाई का नहीं करता, उस घर के अंदर आफत ही आफत आएंगी, कभी कुछ गरीब को कुछ तकलीफ। ये तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दी। गुरु नानक देव कहते हैं, घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, कह नानकपुर मंत्र दिवाया। समझे, घर में सुख है तो बाहर भी सुख है, और घर में सुखी तो कहीं नहीं। जाको दर्शन इत है वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं वाको इतने उत। इसका मतलब जो यहाँ सुखी है वो वहाँ भी ज्यादा सुखी रहेगा, और जो यहाँ पकड़े में परेशानी में रहता है आगे भी कोई नहीं। तो आप तो कोशिश करो घर को सुख बढ़ाओ, शिव संकल्प रखो, सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, सम्मान करोगा धनवान बन जाओगा। उर्दू शायरी में इसको ऐसे कहा है, बाद बा नसीब बे अदब बे नसीब, जो सम्मान करता है वो धनवान बनता है, जो अपमान करता है वो निर्धन बनता है। अपमान करोगे तो उसे दुर्शीष मिलेगी आपको। तो आप लोग कैसे करें, सम्मान करें, घर में करना सीखो, आज सतर्क करना शुरू कर दो। कल से आप सब बेटियां जो हैं सास को चरण स्पर्श करना है, और बोले माता जी नाराज है, बोले माता जी घेर की नाराज जी खत्म करो, मेरी गलती माफ़ कर दो, मन सब बजाय छोटी बन जाओ, आइए सेवन बार। और बेटे जो हैं तो बड़े आदमी हैं, अपने माँ बाप की करो, पिताजी नाराज है, पिताजी नाराज नहीं होगा आज के लिए, मैं सुबह सुबह चरण स्पर्श करो और रोजाना के लिए बात करो और उनकी आज्ञा करो। अब ये नहीं कि मैं तो बहुत बड़ा वकील बन गया, बहुत ज्ञान हो गया मेरे को, तो पिताजी क्या अनपढ़ आदमी खुश रहने, बहुत खुश हो आपके पिताजी हैं, आपने उनको सम्मान करोगे तो आपको सम्मान करेगी, आपकी संतान करेगी, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी संतान नहीं करेगी। गिव एंड टेक का सही साथ से दिल से ले लो, देते तो मैं दुख रिताते सुख। तो कबीर ने तो दो दिन में बता दिया इसको, भाई पेट बबूड़ के तो आम कहाँ से खा, कि तुमने भाई तो बबूड़ और तुम चाहते हो आम लगे, इसके बबूड़ के तो बबूड़ लगेंगे, तो दिया तो दुख हमने, किसको, माँ को बाप को भाई को पड़ोसी को रिश्तेदारों को और लोगों को, और चाहते सुख। तो भैया गिव एंड टेक का सिद्धांत है, आप लोग सुख दोगे सुख, दुख दोगे दुख, घर के अंदर करो। मैं ज़्यादा बातें नहीं बता कि मैं बात आधा और बताना चाहता था आपको, सत्य कुछ और देना, क्या सत्य देना चाहता था, मैं चाहता था कि पहले ये साधन था, जो ब्राह्मण ऋषि मुनि हैं वो सब के सब क्या करते थे, प्रकाश का साधन करते थे, जिससे शुरू करते थे, नहीं वो आगे नहीं। अब संत मत जो कोई कह रहे हो वो संत मत है, संतों का कुछ और मत है, संतों का क्या है, संतों का साधन भी हो रहा है मत भी हो रहे, बहुत सो रहा है कि जिंदगी के अंदर कैसे सुखी रहो और क्या बनना चाहते हो बन जाओ। संत ये बताते हैं कि तुम सदा के लिए अमर हो जाओ, इस जिंदगी में इस तरह से रहो कि जब शरीर छोड़ के जाओ तो पहली तरह उधर चले जाओ, शरीर के रहते रहते आपको वो अनुभव हो जाएगा, मुक्त तो हो जाएगा सब चीज़ों से, कि सब कुछ इधर ही रह जाएगा, मैं इकला जाए इकला जाऊँगा और खुश रहेगा वो। जिंदगी में रहते रहते भी खुशी बहुत, अगर मुक्त है तो मरने के बाद भी मुक्त है वो, मेरे शरीर छोड़ेगा तो उसी में चला जाएगा उसी आप, तो वो तरीका सीख लो। आज ये बताता तरीके दो हैं, पहले जो थे वो तो सिर्फ प्रकाश का साधन था, हमारा सनातन का जो था सब प्रकाश ही आत्मा है, प्रकाश सब कुछ ये कुछ नहीं करता, सब कुछ ये नहीं होता वो नहीं होता। और संतों के मार्ग में ये बात बदल गई कि भाई प्रकाश तो उस आदमी को आएगा जिसका ब्रह्मचर्य कायम है, हम गृहस्थ में होते हैं ज्ञान में ब्रह्मचर्य खो देते हैं,
पहले बच्चा खो देता है, अब तो बच्चों की संगत को खो देता है, गलत तरीके से खो देता है, बस सस्ती निकल जाती है, प्यासा निकलने के बाद भी खीर खाण समझता है, रोज का टैक्स को भोगता है, तो उसमें शक्ति नहीं रहेगी, तो उसकी शक्ति निकल जाएगी, नहीं चलेगा। तो कलयुग संतुलन खोजते खोजते ये सोचा कि तुम ऐसे करो, अंदर प्रकाश को बजाए तुम शब्द को ले लो, राम नाम को पकड़ लो, राम नाम के जरिए से बच्चा भी कर सके, बूढ़ा भी कर सके, कोई कर सके, कोई बात नहीं है। और प्रकाश के लिए तो खोपड़ी में शक्ति थे ब्रह्मचारी, तो ये हो नहीं सकता, तो बेहतर है साधन तो भी बोल, अभी सब करेंगे कंट्रोल, पर शुरू से शब्द में चाल पड़ो। तो संतु ने क्या करेगा, अंदर की तरफ एक राम नाम उसको शब्द का है, तो उसके लिए गुरु भी शब्द का होता है, शब्द शब्द का पुरुषा गुरु मिले, गुरु वही जो शब्द सुने ही, शब्द बिना दूसरे नहीं से ही, शब्द कमावे वो गुरु पूरा, उन चरण की बढ़ जा धूरा, शब्द भेद तुम लेकर उनके शब्द कमाओ तुम तन्मन से। और प्रकाश का जो साधन वो अलग था, ओम भूर भव स्व सत्सवितर ब्रह्म भगव से धीमहि धीरि ओनु प्रचोदया, ऐ मनुष्य तू जीवते जागते स्वप्न की आत्मा में रहते हुए जीवते भी स्वप्न भी और गहरी नींद में भी सफेद उसकी आग है, सफेद रंग का प्रकाश है वो देख, तेरी बुद्धि श्रेष्ठ है। तो ये उनका ब्राह्मणों का साधन उनका अभी भी है, जिसका ब्रह्मचार्य ठीक है उसका वो प्रकट हो जाता है, वो बीच में जोन है, वो एक अवस्था है, एक लोक है, उसमें प्रकाश प्रकाश मिल जाएगा। लेकिन फिर माना नहीं संतुलन आज के संतुलन, क्यों, कब प्रकाश कभी टूट जाता है, कभी कुछ रंग बदल देता है, कभी कुछ बदल जाता है, तो वो टाइम नहीं रहेगा, प्रकाश से दाना निकलेगा। तो मुक्त होने के लिए प्रकाश से मुक्त नहीं होगा, वो भय मुक्त है, उसको कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, उसमें रहता है उसका खतरा, वो वहीं सच्चा रहता है। जाने का तरीका बताया, किसी संत की सूरत जाती है उसके साथ अगर होगा तो पता रहेगा, ऐसे बताया। तो आपके अंदर प्रकाश नहीं आए बताओ, शब्द का बारे पकड़ो, संत मत बताता है शब्द का साधन, सुनते हो नहीं बात, बाकी सब ये सनातन है हमारा, प्रकाश की बात सनातन करता है, अरे बाकी जो गुरुपीर हम लोग हैं हमको भी ज्ञान नहीं, ऐसे बारे सकता शब्द बताता है क्या है शब्द, कहते शब्द शब्द भौतक कया वह तो शब्द विदे जीवा पर आवे नहीं, इंद्रिय पर कर ले अनुभव कर ले उसका, शब्द कुछ नहीं, शब्द जो है वो चीज है अलग है, और वो तो शब्द विदे देख कोई वजूद नहीं है, एक तत्व है, जी बात पर आता नहीं बताया जाता नहीं, तो निर्भर कर ले अनुभव कर ले वो शब्द है संत पद पर, तो शब्द अभ्यास चीज होगा ना उसी से दूसरा मिलेगा वो। मैं आपको कहता हूँ मेरी तरफ देख रहना, तेरे को देखते रहना और मैं जो बताता हूँ सुनते रहना, तो कई लोग ऐसे होते बैठे बैठे इंटरटेन हो जाते हैं, वो कहते हैं शब्द आ गया ऐसा ऐसे, ऐसे क्या शब्द है ऐसे सुन रहे, तो मैं जानता हूँ कि कहाँ ठहरे हैं, अलग अलग शब्द है, किस जगह का शब्द आता है वो अलग तरह का आता है, यहाँ पर घंटे का शब्द आता है मंदिर में बढ़ते हैं ना, पहला जो टीका लगाते हैं इस जगह शब्द आता है वो टर्न 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 घंटी के बाद आती है, तो पहला शब्द आ गया, पहले शब्द क्या मिलेगा इससे, इसका ध्यान करने से ये चीज सुनने से आपको इस लोक की चीज जो सतूर चीज है इसको छू सकते हैं देख सकते हैं, सतूर चीज वो प्राप्त हो जाएगी, मकान दुकान हाट हवेली संसार सब कुछ मिल जाएगा। इस लोक वाणी को प्रॉब्लम है, संसार की चीज क्या चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, धन बना जो कुछ बनना चाहते हो बन जाओ, उसके साधन से असिद्धि आ गई ना आप, और अगर आप लोग इस शब्द को सुनते 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 आगे जाओगे तो ये दूसरी जगह तो ओम के स्थान पर शब्द बदल जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर ही जब चाहते ओम ओम की ध्वनि आएगी, ओम 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 की ध्वनि, और कई जो ओम आम भी विश्वास नहीं करते हिंदू धर्म के, पर उनको क्या जाता, उनको गड़गड़े बादल की गड़गड़ाहट या दम दम नगारा आ जाएगा इसी के सब, और लाल रंग का प्रकाश आ जाएगा, ज्ञान का केंद्र है जितना ज्ञान हो जाएगा इसका, ये सब समझे, थोड़ा और ऊपर चलोगे तो सब तो आ गया, वो क्या आया अगले सारंगी बदरी वहाँ पर, और चांद सी चांदनी है ज़्यादा नहीं, सारंगी बदरी है, सारंगी हरी है और मस्ती दशा हो रहा है बिल्कुल, जैसे भंग पी रखी है आपने खूब या सुरफा पी रखा है या ये शराब जो ड्रिंक होती है ना वो बिस्की वगैरह लगा रखी है, मीठा मसा रहेगा, हंसते रहोगे मज़ा लेगा, कुछ भी काम करो खुश रहोगे आप, हंसते रहोगे, ये साधन कर, गुरु नानक देव ने इसको ये से मिसाल दी है कि रात पी नानका उतर गई प्रभात है, रात ने पी सुबह उतर गई, नाम कुमारी नानका चली रहे दिन रात, तो वो आप अनुभव कर सकते हो, कोई बात है कि बीच से थोड़ा ऊपर की तरफ है और वहाँ पर ये शब्द आता है सारंगी जैसे शब्द आएगा, और
यहाँ पर चांद से चांदनी हो, और थोड़ा और ऊपरी तरफ से जाओगे तो वहाँ पर एक जगह और है थोती जहाँ पर अंधेरा अंधेरा, उसका साथ मत करो, उसकी चीज़ इंसान और फिर जाओगे तो निकलोगे नहीं, अगर उसमें चले जाएंगे तो फिर कुछ काम कर दीजिए ना पर सुनने पड़ेगा भी, तो उसमें कोई आदमी अनुभव भी वो निकाल सकता आपको। जैसे आप सपने में सोते सोते खड़खड़ कर रहे हो तो जो साथ आवाज आपको दिखाता है भाई वो सपना टूट जाएगा आपका, ठीक जान जाओगे समझे कि नहीं, तो उससे वो निकाल सकता है। फंसने कोई बात है उसका भी, जो मासूम में फंस गया है उसको होश दिलाने के लिए अनुभवी आदमी निकाल सकता है, अब वो जानता हो ऐसे हरेक नहीं निकालेगा। फिर उसका जो ओम का जो होता है ना उसका सोम का सफेद रंग का प्रकाश है वो ब्राह्मण का, वो गुरु वो ईश्वर है, वो सत्य है, जब सिद्ध शब्द और नशा मस्ती बेफिक्री है वो जो वहाँ पर है, जो सोचेगा भाई जागा जब कहीं आश्रम में रहते हैं महात्मा को जाता कोई कुछ दे देता रहो आश्रम मर जाता रहो जो जाता वही हो जाएगा, लेकिन श्री छोड़ी फिर नहीं चक्कर काटेगा आगे नहीं जाता, आगे जाने का फिर गुरु बताएगा कि तो आनंद दे रहे हो तो आप आत्म पद में सत्य हो, ये तो आत्मा के लोक में हो तो सब ये वो आपका घर नहीं, घर आ गए वो क्या है इसको छोड़ो आगे जाओ तो फिर वो आगे आप साधन करोगे, जब यहाँ से ये बाल मिलते हैं माथे के साल से इससे ऊपर जाओगे तो बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है यहाँ पर इधर जा ठहरोगे अलग से निर्जन, यानी यहाँ पर ये लख्या नहीं जाता है, इसको अनुभव कर ले, अनुभव क्या आएगा प्रकाश पुरुष कुछ खत्म है फिर यहाँ पर क्या चीज़ आएगा, एक छुट्टी बिल्कुल मीठी ध्वनी आ रही है जिसको राम नाम कहा है, और अभी आजकल नाम लगा रखा है उसका सत शब्द सार शब्द सत शब्द सार शब्द ऐसे ऐसे कई चीज लगा रखी नाम, और वो चीज़ आपके अंदर बहुत सुनती रहेगी, यहाँ से बोलने वाली चीज़ जो है ये आगे है सुरत आत्मा से आगे चीज़ है, इसको सत्तु सुरत नाम दिया है, सुरत होश चेतनता, तो वो आ जाएगी वो फिर अनुभव करते करते छोटी तक का जो सफर है इसका नाम अगम है, अगम मानी जिसका था नहीं आता, कई तरह के लोग हैं यहाँ पर जो लोगों में फंसा वो आगे नहीं जा सकता, लेकिन वो सुनता रहेगा आगे चलते चलते छोटी पर जाएगा तो उसको आखिर समाधि लग जाएगी, कैसी समाधि उदाहरण देता हूँ कोई देता नहीं, मैं दे रहा हूँ किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, मैं आपको मेरे शब्द की किताब समझाता हूँ, गैर इंजन जाते हो आप गैर इंजन जाते हो कुछ कुछ होता है कुछ देखते हो गया गैर इंजन चले गए तो बेहोशी में चले गए कि नहीं, उसका अंश बन गया परमात्मा का ईश्वर अंश बन गए, और वहाँ से शक्ति लेके सुबह होकर दूसरे से वही काम करोगे जो कल थक गए थे ये रोज ही करते रहते हो, तो ये तो प्राकृतिक समाधि सबकी, ये तो प्रकृति दे रखी है जिंदगी देने के लिए शक्ति लेने के लिए, और वो तो मैं बता रहा हूँ ये साधन से करके आप अनुभव करें, इस जगह पहुँचने के बाद तो समाधि लग जाएगी, पहुँचिए डिस्टिनेशन पर, आपके प्रारब्ध कर्म बाकी हैं जो करना है वो पूरे नहीं हुए, किसी को देना है किसी को लेना है, तो जब तक वो चूक जाएंगे उस दिन समाओगे उस दिन उसी चले जाओ फिर नहीं आओगे दोबारा, और जब तक जीते हो तब तक विटनेस बन के देखते रहो, यानी ऐसे देखते रहो साक्षी बन के ये सब परमात्मा के लिए, चोर बाजादार है तो शुद्ध चोर नहीं है, परमात्मा ड्रामा करा चोर का, एक कसाई का काम करे तो बोले कसाई नहीं है परमात्मा ने कसाई का काम कर रहा है, एक मंत्र है तो बोले ये मंत्री का काम कर रहा है, एक IAS बना बैठा बोलो परमात्मा का काम कर रहा है, अच्छा काम करेगा तो ठीक नहीं, एक खाद कर रहा बैठा कोटी बिना तो बोलते ये पिछली लंबी काम कुछ खराब करा था इसलिए वो ये वो है, और ये आप कोटी बिना बैठा है क्यों कहीं सिर्फ धोखा दिया दुनिया को तंग कराया धोखा दिया 420 करी है तो अभी आगे बैठा तो IAS बैठते होंगे लेकिन बैठा खाद करना पड़ा, तो वो सबको अंदर परमात्मा देखेगा जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, ये सत्संग बाहर का गुरु देगा जिंदा आदमी, तो आदमी का गुरु आदमी का इकला साधन करोगे कुछ नहीं होगा, आप साधन करोगे ये नहीं बताया जाए पहले स्थान भी आएगा तो कुछ नहीं आएगा आपको, थक जाओगे सारा बैठक बढ़ जाएगी कई दिन चल जाओगे, तीन ही स्टोर आती है जो साधन है या तो स्वरूप जो बनाते हो वो होना चाहिए वो इधर मंथ तक आएगा, और उसके आगे जाओगे प्रकाश है वो होना चाहिए या शब्द होना चाहिए, तीन चीज में से एक चीज को अनुभव कर रहे हो तो साधन बढ़ रहा है नहीं तो साधन शुद्ध नहीं है, क्या है वहाँ पर कुछ भी नहीं है वो बस ही, तो आज का सत्संग मैंने छोटे में कर दिया बात बहुत बड़ी है इतनी बात आवा मैंने पर बताने की कोशिश करी बता नहीं सकता, किताब भी लिखी सत्रह लिख ली वो बात लिख नहीं सकता, जो सच्ची बात या सुनाई वो लिखी नहीं जाती, वो अनुभव कर लेना आप ये करना चाहते हो, अनुभव की इच्छा करो कोई अनुभव मिल जाए मेरे को मिल जाएगा, तो मुझे एक काम करता नहीं मुझे ऑर्डरी आदमी हूँ बात जानता हूँ अनुभव है मेरा, तो हो सकता है गलत है तो मैंने प्रार्थना कर ली सब किताबों में लिख दिया कि महात्माओं अगर मैं गलत हूँ कृपा की मेरे को मार्ग दिखा,
भाई मैं तो कहीं जाता नहीं तो कुछ नहीं आता बाहर से, कोई देवी आवन कोई देवता आवन, अगर मैं गलत कहूँ तो मेरे को मार्गदर्शन साहब अपने पा रहा हो तो मेरा अनुभव है। आपको सुख दुख के जो समझा है इस लोक का जिंदगी समझिए, कोई शंका है तो बेटी को प्रश्न पूछ लो, योग का ज्ञान का दान का कोई शंका पूछ।